तो गाइस मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आपके लिए एक टूर्नामेंट लेके आऊँ। तो गाइस फाइनली मैंने आपके लिए एक टूर्नामेंट लेके आ चुका हूँ जिसका नाम है मास्टर कप सीजन 1 स्लॉट से 240 प्राइस पूल है 3.5K। तो गाइस अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन खोलना है, आपको डिस्कॉर्ड की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं अपन रोहित एंड ड्रैको के बारे में। तो गाइस क्या फाइनली हमको उनको फेयरवेल देना होगा क्या गाइस? मतलब सैडली हम तो गाइस यहाँ पर नहीं चाहते कि वो अलग हो, बट अलग होना पड़ेगा गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है कि गरीना ने इनको बस एक दिन मतलब थोड़ी चालाकी करने का मौका दिया। तो अगर जिनको लगा कि सर्वर चेंज होने के बाद भी हम इंडियन सर्वर में जाके टूर्नामेंट्स खेल सकते हैं, तो एक दिन में इस गरीना ने यहाँ पर आराम से आने दिया। बट गाइस अभी सीन ऐसा हुआ है कि 23 को यहाँ पर अपडेट आता है, तो हमारे इंडियन सर्वर में अपडेट नहीं आया बट नेपाल सर्वर में आया है। और उसके बाद यहाँ पर रोहित का कहना है कि मेरी इंडियन सर्वर की आईडी नहीं खुल रही है। तो यहाँ पर रोहित का बोलना है कि अपडेट के बाद जो कि इंडियन सर्वर की आईडी नहीं खुल रही है, तो अभी वीपीएन भी काम नहीं आएगा ना कुछ काम आएगा, अभी इनको हमको फेयरवेल देना होगा। तो गाइस आपको क्या लगता है, ये वापस आ सकते हैं? हाँ गाइस, हम उनके पास अभी लास्ट चांस है। देखो गाइस एक सिंपल चांस है रोहित के पास कि गाइस यहाँ पर इंडिया आ जाए, ओजी के बूट कैंप में रहे और ओजी के बूट कैंप से टूर्नामेंट खेले, वहाँ पर कोई इनको दिक्कत नहीं आएगी। बट गाइस बात आती है इनके पेरेंट्स उनको परमिशन दे गए। गाइस अभी काफ़ी हद तक तो इन्होंने अर्निंग तो कर ली स्पोर्ट्स से, शायद इनको पेरेंट्स दे भी दे परमिशन क्योंकि इनका एज कम है गाइस, शायद वो 15 या 16 ईयर्स के और क्लास 9th में। तो इस यहाँ पर उनकी स्टडीज़ एंड वो सब देख के मतलब पेरेंट्स परमिशन देंगे। तो जब ये बात कर लेते हैं अपन टीजी ड्रैको की, तो गाइस यहाँ पर ड्रैको तो पहले इंडिया में आ चुके हैं, काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स भी इंडिया में खेल चुके हैं उन्होंने बूट कैंप से। बट गाइस बात आती है कि अभी टीजी का मतलब बूट कैंप में जो डिसबैंड हो चुका है, तो वो कहाँ रहेंगे, वो कैसे खेलेंगे? तो गाइस यहाँ पर ड्रैको के लिए चांस भी नहीं है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि फौजी अजय या कहो टीम माफिया के पूरे टीममेट्स ने सोच लिया होगा कि अभी ड्रैको के लिए क्या किया जाए, शायद उनको एक रूम वगैरह कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, अभी देखना होगा वो तो आगे का सीन है। तो यही था लास्ट वे जो कि वो वापस आ सकते हैं, बाकी तो अभी गरीना ने सारे रास्ते इनके लिए बंद कर दिए। तो गाइस यही थी अपनी बात। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना।